ये है मेरी मासी का गांव जो खतरों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं, और जैसे कि सांप हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, कोई भी कभी भी कहीं भी आ सकता है। और मेरा मासी का घर नीचे, और ये हम घने जंगल में हैं। ये मेरे पति जी, ये हिमाचली दो बच्चे, वो पापा आराम से चिल कर रहे हैं। पति जी कैसा लगा ये जंगल? जंगल अच्छा लग रहा है, मोर देखने आए थे, मोर दिखा दी। अगर मोर अभी यहाँ घूम रहे थे, पर मोर भी इंसानों से डरते हैं तो वो भी भाग गया। बता दो नीचे से। ओ बन रही बन रही, बस देखो पहाड़ी देखो इधर का। ये कराल के फूल है, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो ध्यान से, पापा ध्यान से। यार इनको डर लगता है, पापा तो ज्यादा डर लगता है मेनू। पापा ले फटक दे फटक दे आंदे है। बेटा मेरे पीछे मत आना, मैं इधर उतर जा। नहीं मेरे पीछे कौन है? उतरा दे झुक के आना ऐसे मैं देखे 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 गड़बड़ बंदी हो गया। हाथ जोड़ रही है, मैं हाथ जोड़ रही है। अरे हमारी मासी जी आ गई है एक्सपर्ट। दोनों हाथों से पकड़ के आओ, हाँ बैठ बैठ के सही आ रहे हो। अरे आ जाओ आ जाओ सही आ रहे हो, बैठ बैठ के आओ। मासी में लटक जाएगा। नहीं लटकेगी, डाल दो। मैंने पता नहीं चला कहाँ था, उधर ही करेगी इनको। गिरा दे ताई पे और यहाँ से छलांग मार लो। नहीं नहीं छलांग नहीं, टांगे इनकी पर कमजोर है। मैं छलांग मार लो। हार मान ली है और ऊपर नहीं जा सकते। मेरे पति जी गिर चुके थे और नहीं मैं तो बच गई थी यार, तो कैमरे में सब सच मत बताया कर भाई। हम भी लगा हुआ है मुन्ना। ये केले का पेड़ है क्या ऊपर? ये वाले खाए थे मम्मा तेरी ने। अच्छा क्या बात है, आपके निशाने तो बहुत सही हैं। एक बार फिर से मार के दिखाना। नहीं तो आप फिर बताना मत ना किसी को। नहीं बेटा कहीं नहीं जाना, जीजा डर गए ध्यान से। अरे रुक जा रुक जा। नहीं चल रहा, ये कौन से खेत है? गेहूं है ना, गेहूं होती है जो गेहूं का है। चला चला सो बेसिकली हमने हार मान लिया, इससे ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे ही जा रहे हैं। ये कौन सा फूल है? ये गलगल का। ये गलगल का फूल है, ये आपके लिए। धन्यवाद। इसकी सुगंध भी ले सकते हैं जो कोई अच्छा है। ओए फड़ी ना। ओ ले अच्छी। ये मासी जी का संतरे का पेड़ है, वो आम का पेड़ है। तो बटरफ्लाई कितनी अच्छी लग रही है। इसको बटरफ्लाई बोलते हैं और क्या? ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई होती है ना वाइट वाली। करूं ज़ूम इन कर रहा। ये हमारी मासी जी की गायें हैं। हाँ बताओ बताओ क्या बता रहे हो? जो कल आपने सासू माँ ने खाए थे, ये वाले खाए थे। ये क्या, ये किस चीज का पेड़ है? अंजीर का होता है ना, किसी को खाते हैं, मीठा होना है। ये किस चीज का है? अंजीर है। अंजीर अंजीर टेस्टी है। आप खा के देखो जतिन, बड़े टेस्टी है। लेकिन ना जो हरा हरा होगा ना उसे मत खाना, वो कच्चा होता है। कितना जूसी है यार। खा लो। इसको काट देना। ए हाँ इसको काट देना, बहुत मीठा है। हाँ मीठे है, खाते हैं।
रास्ता देख सकते हैं कैसा है। ये क्या चीज है? पीले पीले आंखें कहते हैं जो आप लाई थी कल। क्या बोलते हैं? आंखें। आंखें? हाँ। ये तो ना भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आंखें ना ये बड़े मीठे होते हैं, इसकी तरह होते हैं। हाँ, पीले रंग के जो हमने स्तूत खाए ना उसकी तरह होते, पीले होते हैं। पर इनकी चीज जो ये बूटी के फूल है ना। हाँ, बूटी के फूल है। सो ये नजारा है कुछ हमारे मासी के गाँव का। ये बीवी जी का फोटो शूट चलता हुआ जंगलों में, बेचारे छोटे बच्चों से काम कराती हुई। ये पहाड़ी बच्चे, ये छोटा सा बच्चा है, इसको बेचारे को बहुत तंग कर रही है, ये बार बार फोटो खिंचवा रही है। देखो कैंथिया जिसको कहते कैंथी, लाल वाले तोड़नी है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? ये कैंथी होती है, इसके पतोड़े बनते हैं हमारे इधर, जैसे कि ना छोटे छोटे बेसन से बनाते हैं। ये कैंथी है, इनको बोलते कैंथी, कैंथी के फूल। ये हिमाचली शतूत है, खाने में बहुत ही मीठे होते हैं और 5 मिनट में बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये, और इसको 5 मिनट के अंदर अंदर खाना होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मम्मी लाई हैं अपने जवाई के लिए, बट जवाई राजा जी पहाड़ों में जाके इतना थक चुके हैं कि देखो कैसे लेटे हैं। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। ये मासी के गाँव के शतूत बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा मीठा, बहुत ही ज्यादा। आप भी खा लो गाइस। प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया लगी। सो ये था मेरी मासी का गांव और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। कैसे हम छोटी छोटी जगह से निकले और एडवेंचर हो गया हमारा, बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा वो जो छोटे छोटे शतूत खाए आपको वीडियो में देखा होगा, वो और ज़्यादा टेस्टी थे। सो मासी के घर से अब निकलते हुए यहाँ पे थोड़ा सैड माहौल हो गया है, इमोशनल माहौल हो गया है, कभी खुशी कभी गम वाला। सारे रो रहे थे अभी, अब देख सकते हैं थोड़े थोड़े आंसू है सबके आंखों में। अपने आंसू दिखाओ, पापा आंसू दिखाओ, सैड तो होगा ही ना, आंसू दिखाओ मासी जी। अरे मेरे तो ज्यादा दिखाई देंगे। रोने वाला सैड माहौल हो गया है और बाकी मजा आया। 2 दिन बिताए, कैसे बीते पता नहीं लगा, मजा आ गया एकदम। और आप मासी जी की हॉस्पिटैलिटी तो और भी बढ़िया। मासी अगली बार कैसे आना है? खुश खुशी। क्या खुश खुशी? बच्चों को लेके कैसे आना? नहीं, अगली के साथ आना, नन्हे मुन्ने के साथ आना। हमारा दिल्ली यहाँ लगता है। और ये वापस से ऑफ ट्रैक रास्ता शुरू हो गया, नीचे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। क्या सिक्का डालो, वीडियो बनाएंगे। और नहीं आप बैठे जाने दीजिए। बटरफ्लाई, अच्छा पीसफुल माहौल है यहाँ पे काफी। जतिन के साथ भी दिल लग गया था हमारा, फैमिली ऐसी लग रही थी कि हमारी है बस। रहते ही होना चाहिए, पता क्या अच्छा रहता है, ऐसे ही होना चाहिए, घुलमिल के रहते ना। और ये मेरे जतिन जी इतनी छोटी सी जगह से गुल्ली बन के जा रहे हैं, और ये बिल्कुल वेट नहीं कर रहे मेरा। गुल्ली साहब रुक जाइए, ये भी उठा लो, 500 रुपए लगेगा। तो हम जा रहे हैं गांव को अलविदा करके। वो सामने हमने गाड़ी खड़ी करी है, ऊपर तक गाड़ी नहीं आती प्रॉपर घर तक। नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब है यहाँ पे, पैर मुड़ सकता है कभी भी कहीं भी, पर मजा आ रहा है। गाड़ी धूप में खड़ी थी, गर्म हो गई है, थोड़ा ठंडी करके बैठते हैं। Thank you.
सो गाइस हमारी यहाँ तक की ट्रिप थी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिप पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।